अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं खिचड़ी। आज बहुत गर्मी है कराची में। आप किस सिटी से हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो हमने कहा कि गर्मी है कराची में और खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा, तो हम बनाते हैं खिचड़ी। खिचड़ी में हमने लिए हैं, सबसे पहले हमने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून घी डाला। खिचड़ी वगैरह जो हैं वो घी में अच्छे लगते हैं बनाना, तो जायका अच्छा हो जाता है। तो हमने घी इसमें शामिल किए 2 से 3 टेबलस्पून। फिर इसके बाद मैंने फ्राइड अनियन इसमें ऐड किया तकरीबन 1 टेबलस्पून, क्योंकि काटना वगैरह जो है झंझट होता है गर्मी में। बहुत कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द किचन से फारिग हो, सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। तो फिर मैंने इसके बाद प्याज के बाद इसमें मैंने लहसुन शामिल किया। खिचड़ी में लहसुन जाता है, अदरक नहीं, ठीक है। तो इसके बाद फिर एक जो है रात का सालन जो था उसमें चिकन का एक पीस पड़ा हुआ था, वो मैंने रेशा रेशा करके इसमें ऐड किया जायके के लिए। अब मैंने यहाँ पर ये चावल और दाल जो हैं ये भिगोए हैं। जब भी आप कोई चीज़ किचन में रखें तो उसको डांप करके रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि खाने वगैरह की चीज़ें में वो चली जाती हैं। तो ये जो हैं हमें ख्याल रखना चाहिए कि खाने की चीज़ को डांप कर रखें। तो इसको मैंने तकरीबन आधा घंटे पहले भिगोया था, चावल और दाल ये दोनों चीज़ें मैंने अच्छे से पहले भी वॉश कर ली थी, तो अभी भी मैं इसको वॉश कर रही हूँ दोबारा से कि इसका जो वाइट वाला पानी है वो निकल जाए। चावलों का ये जो अपना वाइट वाला आटे जैसा पानी होता है इसको निकालना चाहिए, क्योंकि इससे फिर चावल अच्छे से कुक नहीं होते, चिपक जाते हैं। तो हमने वो पानी निकाला इससे। अब मैं इसको इसमें ऐड करूंगी। प्याज का अच्छे से कलर आ चुका है इसमें, और मसालों वगैरह का सीन नहीं है इसमें, कोई मसाले में ऐड नहीं कर रही। जो फ्राइड अनियन है उसका कलर इसमें आ चुका है। इसको 2 से 3 मिनट हम चम्मच चलाएंगे, उसके बाद इसमें हम नमक शामिल करेंगे और उसके बाद हम फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। ये हसबे जायका हमने इसमें नमक ऐड किया। अब मैं इसमें ये जो बर्तन है इसका अपना, जिसमें मैंने चावल और दाल भिगोई थी उसमें मैंने पानी डाला, और सारा का सारा मैं अब इसमें ऐड कर लूँगी, ठीक है। तकरीबन 1 पाव चावल में आपका जाएगा पानी 1 लीटर। खिचड़ी में पानी ज़्यादा जाता है। अभी आंच हल्की करके इसको तकरीबन 1.5 घंटा पकने देंगे, ठीक है। इंशाल्लाह 1.5 घंटे में ये तैयार हो जाएगी हमारी खिचड़ी।